हेलो फ्रेंड्स, मन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की कढ़ी। इसके लिए देखिए, हमने 500 ग्राम बेसन लिया है और ये 25 से 30 लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और ये खटाई। इसमें बेसन में पहले हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है क्योंकि बाद में कढ़ी में भी नमक पड़ेगा। और थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसको सब अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के हम लोग के यहाँ कढ़ी हमेशा बनाई जाती है। कोई भी शादी ब्याह, कोई भी फंक्शन हो, उसमें कढ़ी हम लोग के यहाँ ज़रूर बनती है। कढ़ी फुलौरी के साथ भी बनती है और बूंदी वाली भी बनती है। हम बूंदी वाली कढ़ी बनाएंगे। ये देखिए, हमको इस तरह से अच्छे से बेसन को मिक्स करना है। और इसको आप चाहे तो इसमें थोड़ा सोडा भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है इसमें, क्योंकि हम इसको फेंट अच्छे से फेंट के उसके बाद 10 मिनट रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसकी सेव बनाएंगे। अब जब तक ये बेसन हमारा रख देंगे फूलने के लिए, तब तक हम अपना मिर्ची और लहसुन जो है उसको बारीक पीस लेंगे मिक्सर में। ये देखिए, बेसन हमारा हो गया है। हमने तेल डाल दिया है, गैस अपना ऑन कर दिया है, तेल भी हमारा हो गया है। अब हम इसका सेव बनाएंगे। आप चाहे तो मतलब इसके आप इस कलछुल से भी मतलब इससे भी सेव बना सकते हैं। जैसे आपके पास मशीन ना हो, तो हमारे पास तो मशीन है, मशीन से बनाएंगे। खाली आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह से आप इससे भी बना सकती हैं। इस तरह तो सबके पास, घर में सबके पास ही होती है ये पूड़ी काटने वाली छन्नी, तो आप इससे भी सेव बना सकती हैं इस तरह से। ये देखिए, अभी थोड़ा बूंदी हमारी हुई नहीं है अच्छे से। अब हम बाकी का सेव अपना मशीन में बनाएंगे। मशीन से इसमें हमारे पास ऐसी मशीन है, इसमें हम ऐसे इसको डाल देंगे बेसन को। अगर मशीन है तो मशीन से जल्दी हो जाता है एक बार में। ये देखिए, ये सेव हमारा हो गया है। हम इसको निकाल लेंगे। तो हम मशीन से बनाएंगे। देखिए, इसको हम थोड़ा ऐसे धीरे धीरे, आँच हमको गैस की फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखना है, न तो बहुत लो रखना है, मीडियम पे ही इसको पकाना है। थोड़ा ये हो जाए, इसका तेल
दिखने लगी ये जो इसकी बूंदी है तेल में, ये थोड़ा कम हो जाए तो फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए तो हम इसको पलट देंगे, इस तरफ भी थोड़ा हो जाए। थोड़ा उस तरफ हो जाए, पक जाए, फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए बूंदी हमारी दोनों तरफ से हो गई है, इस तरफ उस तरफ। अब हम इसको निकाल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा लाल हो जाएगी। इसी तरह से अपनी सारी बूंदी बना लेंगे। ये देखिए हमने बूंदी अपनी सारी बना लिया है। अब हमने जो उसमें थोड़ा सा बेसन बचा था उसमें हमने थोड़ा सा बेसन और डाल के इसको अच्छे से घोल बना लिया है। इसमें इतना मतलब इसको फेटिए कि इसमें गिल मतलब वो गुलठी ना रहे, ये अच्छे से मिक्स हो जाए जो है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है बेसन। अब हम जो अपना अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के रखे थे इसको पहले हम मेथी डालेंगे। तेल हमारा गर्म है और ये मेथी थोड़ा हो जाएगी तब हम लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट रखे हैं इसको डालेंगे। इसी में हम हल्दी डाल देंगे, जो लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के रखे हैं, हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और हल्दी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसको थोड़ी देर इस तरह से पकाएंगे। ये पेस्ट हमारा हो गया है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे और ये खटाई डाल देंगे। और ये इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से, जब तक पानी हमारा उबलेगा नहीं तब तक हम बेसन अपना नहीं डालेंगे। अब पानी अच्छे से उबलने लगेगा फिर हम इसमें बेसन डालेंगे, जो हमने बेसन अपना घोल के रखा है। ये देखिए पानी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो अपना बेसन रखे हैं इसको डाल देंगे। और बेसन डालने के बाद पानी डालेंगे। ये देखिए गैस का अपना हमने फ्लेम एकदम फुल कर दिया है और इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे जब तक कि कढ़ी हमारी उबल नहीं जाती। अगर इसको इस तरह से आप चलाना बंद कर देंगे तो कढ़ी में हमारी गुलथी बढ़ जाएगी। और हम नमक डाल देंगे इसी के साथ। बस इतना ध्यान देना जब तक हमारी कढ़ी उबले ना तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। और हमने इसमें मसाला कुछ भी नहीं डाला है, खाली हल्दी लहसुन मिर्ची बस इतना ही डाला है, बाकी हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। और वही खटाई डाली है। मट्ठे की कढ़ी भी बनती है लेकिन उसको हम फिर से बाद में बनाएंगे। फुलौरी वाली में मट्ठा डाला जाता है और इसमें भी डाल सकते हैं आप, लेकिन हमको इसमें नहीं अच्छा लगता इसलिए हम इसमें मट्ठा नहीं डालेंगे। हमें इतना पतली कढ़ी रखना है, इतना पानी आपको डालना है इस तरह से, क्योंकि कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, आप बूंदी डालेंगे तो वो भी पानी सोखेगी बाद में, इसलिए इतना ध्यान देना हमको इतना पतली कढ़ी रखनी है नहीं तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी।
ये देखिए कढ़ी हमारी उबल गई है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे 2-4 मिनट। उसके बाद फिर हम अपनी बूंदी डालेंगे। ये देखिए 3-4 मिनट हमने इसको गैस की फ्लेम अपनी एकदम लो करके पका लिया है। कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम जो अपनी बूंदी रखे हैं इसको डाल देंगे। बूंदी हमने तोड़ लिया है। और इसको डाल के 2-3 मिनट इसको डालने के बाद पकाएंगे। खाने में एकदम सेहतमंद है, स्वाद में बहुत अच्छी लग है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी एक बार जरूर बना के ट्राई करना। ये देखिए कढ़ी हमारी पक गई है। 1-2 मिनट हमने इसको पका लिया है। बूंदी भी इसमें अच्छे से फूल गई है। अब गैस हम अपनी बंद कर देंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी बूंदी वाली कढ़ी बन के तैयार हो गई है। सेव की भी बोल सकते हैं आप, बूंदी की भी बोल सकते हैं। आप लोग भी एक बार बना के जरूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।